हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी कुकिंग बाय सोनिया। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे चाहे तो तली हुई हरी मिर्चें बोल सकते हैं या फिर मसाले वाली हरी मिर्च बोल सकते हैं, तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप सब्जियां खा खा के बोर हो गए हैं तो आपका नहीं बनाने का कुछ दिल कर रहा, तो आप इस हरी मिर्चों को बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ ये देखिए, हरी मिर्चों को हमने साफ़ करके धो के कट लगा लिया है। ये देखिए, यहाँ पर इसके बीजों को मैंने रिमूव नहीं किया है। तो अगर आपके पास तीखी हरी मिर्चें हैं तो उसके बीजों को आप निकाल सकते हैं। ये कम तीखी मिर्चें हैं तो मैंने इसके बीजों को नहीं निकाला है। और हमें लेमन चाहिए होगा थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, खट्टा सा। तो अब आगे की रेसिपी पे चलते हैं। ये देखिए, मसालों के अंदर हमने यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर ले लिया है। ये हमारे पास एक टीस्पून है। एक टीस्पून ही हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पर अमचूर पाउडर है और चाट मसाला है और हल्दी पाउडर है। यहाँ पर हमने ये एक एक टीस्पून ले लिया है। और एक टेबल स्पून भर के मैंने इसमें बेसन का लिया है। ये बेसन है, ये देखिए, ये बेसन हमने थोड़ा सा भून लिया था, इसको रोस्ट कर लिया था, तो ये भुना हुआ बेसन है। अब इन मसालों को सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये सभी मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, मसाला हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हमने इसके अंदर लेमन जूस को ऐड कर देना है। लेमन जूस डाल के आप मसाले को मिक्स कर लेंगे फिर दोबारा। ये देखिए, लेमन जूस डालने के बाद अब हमने इसको मसाले को भर लेना है। ये मैं हाथ से ही भर लूंगी, आप चाहे तो जिस तरीके से भी भरना चाहते हैं। ये देखिए, हाथ से बहुत अच्छे से लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने इसमें फ्लेवर देना है मसाले का, ताकि नमक और थोड़ा सा खट्टापन जो हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारी हरी मिर्चों को भर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हरी मिर्ची हमारी भर के तैयार है। अब आपके पास कोई भी तेल है, सरसों का तेल है, तो आप उसके अंदर इसको थोड़े से तेल के अंदर इसको आप तल सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, उसके अंदर आप इसको थोड़ा सा तल लीजिए। थोड़ा सा ही तेल चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पैन रख लिया है, इसके अंदर मैंने सरसों के तेल को डाल दिया है। दो टेबल स्पून भर के ये मैंने ऑयल लिया है। और इसको मैं इसका कच्चापन दूर करने के लिए थोड़ी सी देर इसको पका लूँगी। थोड़ा सा इसमें जब पता लगे हाथ से भी हीट आ रही है, थोड़ा सा स्मोक निकलने लगे, तो समझ लीजिए आपका ऑयल तैयार है अब तलने के लिए। ये देखिए, पैन के अंदर मैंने हरी मिर्चों को डाल दिया है। अब हमने इसकी दोनों साइड को पका लेना है, तो फ्राई जैसे हम करते हैं अच्छे से, ताकि पक जाए। देखिए, ये फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर मैंने स्टोव को कर लिया बंद, और मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है, ताकि जो बाहर से हरी मिर्चों में भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इस पर चाट मसाले को स्प्रिंकल कर दिया है, और ऊपर से ही मैं थोड़ा सा इसमें नींबू ऊपर से डाल दूँगी। ये देखिए, ये आपकी हरी मिर्चें तैयार हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर हरी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं देखने में। आप इसे दाल चावल के साथ या कोई भी आप सब्जी बना रहे हैं तो आप उसे डिनर लंच में रख सकते हैं, और वैसे भी इसको रोटियों के साथ वैसे भी खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियो देखने के लिए, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।